बेलन शारदा जी के, बेलन के साथ मेरा स्वागत भी किया जा रहा। नहीं बनाया तो छोड़ेंगे नहीं। बाय। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर सांभवी ये देखिए बनाने लगी है लंच, और लंच में बन रहा है पराठा, सब्जी, सोया चाप फ्राई। और उसको इग्नोर करना फ्रेंड्स, वहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। घर का हुलिया थोड़ा बहुत उल्टा फुलटा है क्योंकि सुबह सुबह घर का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए पोछा चल रहा है, घर उलट पुलट हुआ पड़ा है। यहाँ पर रही मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप, यहाँ पर ये देखिए मानस ने मुझे नोच लिया है। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली हो रही है इसलिए अंसुझा सुझा लग रहा है। सांभवी खाना बना रही है, सरस्वती ये ब्लॉग की आवाज़ आ रही होगी, ब्लॉग एडिट करके डाल रही है। एडिट मैं कर चुकी हूँ, अपलोड कर रही है कोई फाइनल देख के कल वाला ब्लॉग। यहाँ पर सीखा काम कर रही है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं इसे इसे जो करेंगे आप सबसे शेयर करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीले वाले मटर ले लिए हैं, उसमें आलू और एक टमाटर कट करके डाला है, और एक में बाद में मसाला जब तैयार करूंगी तब भी डालूंगी। क्योंकि मानस मिर्ची नहीं खाता है तो मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ विदाउट मिर्च इसको बॉईल कर लूंगी और उसका निकाल दूंगी, बाकी का फिर तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के टाइम भी मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए धनिया जीरा पाउडर, नमक, हल्दी ये ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी हींग, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा मैं हींग ऐड करूंगी। बाकी इसको मैं तीन चार डिपेंड करता है मटर कैसा है। वैसे तो मोस्टली दो हिस्से में मटर पक जाते हैं लेकिन मैं तीन लगा दूंगी ताकि मटर यहाँ का थोड़ा सा पता नहीं हार्ड होता है। और बाय द वे आज मैं बना रही हूँ मटर घुगनी। साथ में ये देखिए आटा निकाल के रखा है, जीरा, हींग, नमक और मोइन, इसको मिक्स करके आटा लगाऊंगी। तो मटर घुगनी साथ में जीरा वाली, हींग जीरे वाली पूरी और तुरई की एक सब्जी बनाऊंगी कच्चा रॉ कोकोनट के साथ, फ्रेश कोकोनट के साथ। रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, ये भी नो ऑनियन नो गार्लिक ही बनेगा। बहुत सारे लोग करवा चौथ में प्याज लहसुन खा लेते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, तो सारा खाना बिना प्याज लहसुन का ही बनेगा। अभी मैंने सुबह एक बार मैं फ्रेश होके दवा खा ली थी चाय पी के, और उसके बाद अभी मैं थोड़ा बहुत खाना की तैयारी कर लेती हूँ, फिर नहा धोकर तैयार होंगी, पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद फिर बाकी का खाना बनाऊंगी। तो मटर बॉयल होने के लिए चढ़ा देती हूँ, आटा गूद के रख लेती हूँ, सब्जी आपने देखा तोरी कट कर लिया है, बैंगन भुजिया भी बनाऊंगी, बैंगन अभी कट नहीं किया, वो सांभर भी कट कर देगी। तो ये सब तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं सावर लूंगी, तैयार होंगी और फिर पूजा करके फिर बाकी का खाना बनाऊंगी, सेवई भी बनाऊंगी। क्योंकि पिछली बार जब सेवियां बनाती थी ना, हम लोग डेजर्ट बहुत कम बनाते हैं तो बच्चे भी बहुत कम खाते हैं, बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाते। घर में कभी कभार बना लेती हूँ तो सास या ससुर की जो तिथि पड़ी थी ना उसमें बनाई थी, तो सांभवी यहाँ पर नहीं थी तो उसने कहा मम्मी मुझे भी खिला दो, तो बनाऊंगी। थोड़ा मैं शुगर फ्री निकालूंगी, बाकी मैं चीनी के साथ बनाऊंगी। खाना थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है फ्रेंड्स क्योंकि बहन के घर भी जाएगा, अगल बगल भी जाएगा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ। मेरे चेहरे को इग्नोर करना, दो दिन से काफी तबीयत खराब चल रही है मेरी, बहुत मुश्किल से मैं व्रत रख पाई हूँ। और यहाँ पर मानस ने देखते हैं नोच दिया है, और हाँ बोली थी तबीयत खराब चल रही है, कुछ कुछ बहुत सारी उलझन चल रही है लाइफ में, बहुत सारी उलझन चल रही है लाइफ में जो बाद में आप सबसे शेयर करूंगी, अभी बहुत परेशान चल रहे हैं फ्रेंड्स। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, पहले ये सब तैयारी करती हूँ, चढ़ा देती हूँ, फिर नहाती धोती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो आटा यहाँ पर लगे है फ्रेंड्स, और ये देखिए यहाँ पर मैंने घुगनी भी चढ़ा दिया है, बस अब तैयार होती हूँ फिर मिलती हूँ आप सबसे। हाय, क्या कर रहे हैं? मैं दही बनाकर बैटर बना रही हूँ। हाँ, बैटर बना रही, मेरी ड्यूटी होती है हमेशा, ये इतना बना लिया है, इतना अभी और पीसना है। कितना हाथ में लेके दिखाओ, दिखेगा नहीं, ऊपर 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 ऊपर। तो ये वाली सिंपल सी साड़ी पहनने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये रहा ब्लाउज पीस, इसके साथ में दो चूड़ी मैच करके पहनने वाली हूँ। और डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि ये वाली ज्वेलरी पहनूं या ये, गेस करके बताना मैंने कौन सा पहना। ज्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, मुझे इतना नहीं आता है, और साड़ी मैंने बिल्कुल सिंपल रखी है इस बार क्योंकि तबीयत ढीली है, तो थोड़ा हैवी साड़ी नहीं पहनना चाहती हूँ, लाइट सा पहनना चाहती हूँ क्योंकि दिन भर पहन के रखना पड़ेगा। मैं पूजा करने के लिए पहनती हूँ तो रात तक पहनी रहती हूँ। तो बस तैयार होती हूँ फ्रेंड्स, फटाफट से आप सबसे मिलती हूँ। उधर मैंने छोला बॉयल कर लिया है, और सांभवी जो है क्या कर रही है, दाल पीसने में लगी है। और सासुदी मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना जाओ, भाग भाग के जाओ। तो सांभवी लगी पड़ी है मम्मी को हेल्प करवाने में, बाल में
ऑयलिंग कर रखी है, इग्नोर करना। चेहरा दिखा दो साम भी नहीं दिखा सकते, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है। पूरा में तो यहाँ पर ना दाल पीसने के बाद अदरक हरी मिर्च धनिया ये सब कट की ग्रेट की। अब मूली के लच्छे बनेंगे तो वो कर रही है। और बस मैं भी नहा धो ली हूँ, बस तैयार होती हूँ फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स बताया सब्जी भी मैंने बनाई है सुबह। हाँ सुबह सब्जी बनाई थी, पराठा बनाई थी, वो सब शूट करना भूल गई थी। ड्यूटी मेरे हाथ में आज लगी पड़ी है बेचारी। तो यहाँ पर सेवई भी बन चुका है। सेवई की रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ और कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, तो मैंने शेयर नहीं किए थे। बस इसमें चिरौंजी और गुलाब जल और केवड़ा का जो जल होता है ना उसका फ्लेवर दिया था। यहाँ पर तुरई कांटे वाली तुरई रिज गोड जो होती है ना उसकी सब्जी बनाने लगी हूँ। तो राय जीरा और तिल का तड़का ऐड कर दिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, फिर जाएगा ये कांटे वाली तुरई छील के मैंने कट कर लिए हैं। ये थोड़ी सी मीठी होती है ज़्यादा। और नो ऑनियन नो गार्लिक बना रही हूँ तो इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं किए थे, वैसे आप प्याज ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है, फिर इसमें नमक हल्दी धनिया जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये ऐड करके इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तुरई अच्छी तरह से पक जाएगा फिर लास्ट में हम फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मूली के लच्छे निकाल लिए हैं लंबे लंबे, धनिया पत्ता नमक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा नींबू का जूस। आप पानी नहीं पियो, मैं भी सुबह से पानी नहीं पीऊँ, पीना चाहिए मुझे पानी। आवाज आनी चाहिए क्या? शेर जूस चला गया, ये देखिए फ्रेंड्स चला गया नींबू का जूस। अब जाएगा इसमें खूब सारा अनार, ये खूब सारा अनार। और इसको मिक्स 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 अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये झटपट से पूरी पराठा के साथ खाए जाने वाली मूली के लच्छे तैयार है। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing by. यहाँ पर मैंने ल्यूक वार्म पानी ले लिया है जिसमें हींग और काला नमक ऐड कर दिए हैं। इसमें फ्राई करके सारे दही भल्ले थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर पानी निचोड़ के तैयार करेंगे दही के साथ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं हो चुकी हूँ तैयार। और आवाज को इग्नोर करना फ्रेंड्स, मानस जो है ना दिन भर। तो हो चुकी हूँ तैयार और आधा खाना बना चुकी, तैयार हो गई थी, पूजा मैंने कर लिया। पूजा करने के बाद थोड़ा सा खाना बना लिया, फिर याद आया जो आप सबसे मैं शेयर नहीं की जो कैसे तैयार हुई हूँ। तो मैं सिंपल सा तैयार हुई हूँ। दो तीन दिन से बहुत तबीयत खराब चल रही है हमारी और घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जो बाद में आप सबसे शेयर करूंगी। तो ज्यादा तैयार होने का मेरा मन नहीं था और सिंपल सी ये साड़ी थी क्योंकि हल्का सा साड़ी पहनने का मन था, मुझे हैवी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने यही साड़ी पहन लिया था। और यही है मेरा लुक। अभी मैं जा रही हूँ, दही भल्ला मैंने बना लिए हैं, अब एक सब्जी बन रही है, घुघनी रह रही है और पूरी जो बहन को भेजूंगी वो फ्राई कर लेती हूँ, बाकी हम पूजा के बाद फ्राई करेंगे। दिनेश जी करवा चौथ में हर बार दिनेश जी ही फ्राई करते हैं तो वो बाद में शेयर करेंगे। अभी मैं फटाफट से जाती हूँ, घुघनी छोकती हूँ और पूरी फ्राई करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तेल में जीरा सूखी मिर्च तेजपत्ता का तड़का ऐड कर दिया था, सारे मसाले काला नमक ये सब ऐड करके भून रही हूँ। घुघनी की रेसिपी कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ। आज प्याज लहसुन के बिना है इसलिए मैंने हींग ऐड कर दिए थे। मटर और आलू जो उबाल करके रखे हैं वो ऐड कर दूंगी, थोड़ी देर पका लूंगी। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स, एक चम्मच घी जरूर ऐड करूंगी। जब भी बिना प्याज लहसुन का सब्जी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं घी ऐड करती हूँ। Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. चल निकल गया फ्रेंड्स,
तो जा रहे हैं ऊपर पूजा करने के लिए अपने पड़ोसी के छत पे। चलो, बहुत प्रिटी लग रहा है। जीवन की राहों में तेरी जरूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। जीवन की राहों में एक पूरी धीरे जी तल है, हम कड़ी तल रहे हैं और शारदा जी खा रहे हैं। ये जो है सब दिन बना के खिलाती है, आज हम कोशिश कर रहे हैं तो पूरी तल दे। लेकिन बेल में रही हूँ और बेल वही रही है क्योंकि बेला हमसे पूरा पूरा हो रहा है। पहले हम बेल भी लेते थे, पूरा पूरा नहीं भी बना लेते थे। बेल में रही हूँ, हाथ में जो है सो कह रही है ऑपरेशन है, फुल नहीं है इसलिए कि बेलने में थोड़ा सा हाथ में। सभी को वेट कर रहे हैं, चुन्नू मोबाइल थामी हुई है, सांभवी मानस को संभाली हुई है। इस तरह से अभी फटाफट से हम करेंगे पूरी फ्राई, फिर खाना सब कुछ बन चुका है, फिर मैं आपसे थाली सेट करूंगी और फिर हम खाना खाएंगे। तो और किचन को अवॉइड कीजिएगा, बड़ा बहुत छोटा सा जाएगा फ्रेंड्स, पांच मिनट चार मिनट जितना मेरा जितना बड़ा भी जाएगा मैं अपलोड कर दूंगी और ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर देंगे। ये जो है पूरी है जो मैं छान रहा हूँ, बेला में हूँ और बेलन के साथ बेल शारदा जी बेलन के साथ मेरा स्वागत भी किया जा रहा। नहीं बनाया तो छोड़ेंगे नहीं, नहीं बनाया तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो बना के दिखाना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो दिखाना ही पड़ेगा, ऑफलाइन ना करो तो ना करो, ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा। हाँ। तो फ्रेंड्स जब तक कैमरा चल रहा है तब तक पूरी आप सबको अगेन हैप्पी करवा चौथ, अच्छे से एंजॉय किया कि नहीं किया, कैसा गया कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और बाय यहीं पे ले लेती हूँ, बाकी मैं थाली शेयर कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, बाय। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट।